नई उड़ान। जो ये फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म मिला है कि लोग ये काम ज्यादातर इंडिया ही में जानते थे, और जब अब इंडिया के बाहर इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है पहुंचेगा, लोग देखेंगे कि जरी वर्क क्या होता है, चिकन वर्क क्या होता है। विकास का संदेश, बढ़ रहा उद्यम प्रदेश। बिल्कुल, मजबूती आती है, कॉन्फिडेंस आता है कि हम लोग बड़े प्लेटफॉर्म पे भी कैसे अपना डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे हम लोग वहाँ पे इंटरेक्ट करें कस्टमर्स के साथ, कैसे उनको डिस्प्ले करें प्रोडक्ट्स अपने। न्यू स्कल्पचर्स एंड सी द वर्कलोग, दीज स्कल्पचर्स, दीज टाइप ऑफ एस्टेज, वी आर डेली मेकिंग समथिंग न्यू, वी डिजाइनिंग समथिंग न्यू, वी आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग न्यू। यूपी की नई पहचान, विकास का नया अध्याय। श्रीमान योगी आदित्यनाथ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, हाउ टू डिस्क्राइब हिम, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द यूनियन इज ब्लॉसमिंग एंड फ्लरिशिंग अंडर हिज डायनेमिक गवर्नेंस। हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वही आज देश के अंदर ODOP के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार का संकल्प साकार होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए शुरू किए गए ट्रेड शो को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। नए यूपी के नए अंदाज और क्षमता पर दुनिया को भरोसा हो चुका है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 चार दिनों तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया गया। इस दौरान यहां करीब 4 लाख विजिटर्स का आना साबित करता है कि यूपी में दुनिया की दिलचस्पी न सिर्फ बढ़ रही है, बल्कि निवेश और उद्योग के लिए तैयार किया गया सकारात्मक माहौल अब अच्छे नतीजे भी दे रहा है। इस ट्रेड शो में न सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों पर फोकस किया गया, बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ साझा उद्योग की रणनीति पर भी काम किया गया है। यूपी ट्रेड शो का आज आखिरी दिन है और ग्रेटर नोएडा में ये काफी अच्छा साबित हुआ है। संडे की वजह से यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा लोगों को एक्सपेक्ट किया गया था और वैसा ही हुआ। तमाम लोग यहाँ पर आए और तमाम स्टॉल्स जो हैं वो आकर्षण का केंद्र बने रहे। ये फिरोजाबाद का एक स्टॉल है और आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्लासवेयर वर्क इन पर हुआ हुआ है। लोग आ रहे हैं, काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मोटिव है इस ट्रेड शो का वो यही था कि जितनी भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के कल्चर को, यहाँ की आर्ट को, उनको एक इंटरनेशनल माध्यम मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका व्यक्ति विशेष में। कई बार सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि सब्जेक्ट का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है, और यही वजह है कि आज हम बात कर रहे हैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए शुरू किए गए ट्रेड शो को शानदार रिस्पॉन्स दिखाता है कि नए यूपी के नए अंदाज और क्षमता पर दुनिया को भरोसा हो चुका है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 चार दिनों तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया गया। इस दौरान यहां करीब 4 लाख विजिटर्स आए और यह साबित करता है कि यूपी में दुनिया की दिलचस्पी बढ़ रही है। क्या कुछ खास है इस ट्रेड शो के दौरान देखने को मिला, हमें आज व्यक्ति विशेष में आपको दिखाते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसमें
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सभी 75 जनपदों का कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया वही आज देश के अंदर ODOP के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। करीब 7.5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की नई पहचान गढ़ने के प्रयास किए। पहचान जिसे दुनिया मानती हो, पहचान जिस पर हर उत्तर प्रदेश का नागरिक गर्व करे। इसी के लिए सबसे अहम कड़ी है उत्तर प्रदेश की आर्थिक शक्ति को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना। इसके लिए ही यूपी सरकार ने देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के कल्चर से लेकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया और इसके लिए उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए इंटरनेशनल ट्रेड शो, ताकि दुनिया उत्तर प्रदेश की क्षमता, शिल्प के साथ ही स्किल्स को भी जान सके। ग्रेटर नोएडा में 4 दिनों तक चले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 की कामयाबी इस बात की तस्दीक करती है कि योगी सरकार अपने इस प्रयास में कामयाब रही है। 4 दिनों के अंदर ट्रेड शो में करीब 4 लाख से ज्यादा विजिटर्स पहुंचे। 25 सितंबर को जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और साथ ही CM योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया, तभी अंदाजा लग गया ये ट्रेड शो कुछ खास होने वाला है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, हाउ टू डिस्क्राइब हिम, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द यूनियन इज ब्लॉसमिंग एंड फ्लरिशिंग अंडर हिज डायनेमिक गवर्नेंस। Yogiji has turned out to be a game changer for this state and that will help the nation. I am particularly amazed at his 24/7 watchdog governance. उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां खुद का ट्रेड शो होता है। हर मंडल और हर जिले से स्थानीय उत्पादों को दुनिया के सामने लाया जाता है ताकि उत्तर प्रदेश की उद्यम शक्ति और योगी सरकार के संकल्प से हर कोई रूबरू हो सके। क्योंकि हमने कोई भी इसमें किसी भी तरह कोई केमिकल यूज नहीं किया है और ये प्योर मिट्टी है, इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है और इसमें हमने सब किचन वेयर्स की सारी ही वैरायटी बनाने का कोशिश करी है और कहीं ना कहीं हद तक हम सफल भी हुए हैं। जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की आ रही है, कुकर्स की आ रही है या अगर हम इसकी सेट्स की बात करें इनकी आ रही है? सबसे ज्यादा डिमांड आती है जैसे जो हमारे जो बायर्स होते हैं वो यूज एंड थ्रो की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड है। इंटरनेशनल ट्रेड शो में 80 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया और इस मेले में भारत के साथ ही वियतनाम साझेदार देश के रूप में शामिल रहा। दूसरी बार उत्तर प्रदेश में होने वाले ट्रेड शो में स्थानीय चिकनकारी से लेकर खूबसूरत साड़ियां और वेस्टर्न बियर तक दिखाई पड़े। ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में हजारों लोगों की भीड़ ट्रेड शो में आयोजित खादी के फैशन शो की गवाह बनी। यूपी ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनकर साबित हो रहा है। इस वक्त मैं तमाम स्टॉल्स पर मौजूद हूं और सबसे बड़ी बात ये है कि आज इस जो यूपी ट्रेड शो है इसका आखिरी दिन है और इसमें कई उम्मीद लगाई जा रही है कि अब तक जिस तरीके से रिस्पांस नहीं आया है वो आए, और आज संडे है तो ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है
वो लोग यहाँ पर आएंगे। तो जिस स्टॉल पर मैं यहाँ मौजूद हूँ, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स ऐसी हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, लेकिन जो ये स्टॉल है ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तनों की है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की जो मिट्टी की खुशबू है वो विदेश में भी महक रही है। क्यों कला संस्कृति खान पान और लोक कला का संगम ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में हर किसी के लिए एक खास अनुभव साबित हुआ। पिछले एडिशन की तुलना में इस बार कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर ट्रेड शो का आयोजन किया गया। 2 लाख के करीब ट्रेडर्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। एक तरह से सरकार और बायर और सेलर्स के बीच में एक ब्रिज का काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। आप सब विदित हैं, पहले इस तरह के ट्रेड शो नहीं होते थे, बल्कि पब्लिक की गाड़ी कमाई का पैसा सैफई में नाच गाने पर उड़ाए जाते थे। आज इंटरनेशनल ट्रेड शो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकल से ग्लोबल तक, चाहे चिकनकारी हो, चाहे साड़ी बनाने वाले हों, कढ़ाई बुनाई बढ़ई, इस तरह के लोगों को हैंड होल्डिंग करके, जो कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारा प्रोडक्ट गांव के बाहर जाएगा, उसको विदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जल संरक्षण की सीख देने के लिए बनाए गए हर घर जल गांव मॉडल को ट्रेड शो के बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड से नवाजा गया। जल जीवन मिशन यूपी को बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड मिला। यूपी सरकार ने देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के कल्चर से लेकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया और इसके लिए उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए इंटरनेशनल ट्रेड शो, ताकि दुनिया उत्तर प्रदेश की क्षमता और शिल्प के साथ ही स्किल को भी जान सके। ग्रेटर नोएडा में 4 दिनों तक चले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 की कामयाबी इस बात की तस्दीक करती है कि योगी सरकार अपने इस प्रयास में कामयाब हो रही है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में 80 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। एग्जीबिटर्स ने अपने उत्पाद दुनिया के सामने रखे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के स्थानीय उत्पादों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मुहिम को मजबूत किया। इस ट्रेड शो का जो मकसद था वो पूरा होता दिखा। लाखों लोगों ने यहाँ नए उत्तर प्रदेश के विजन और क्षमता दोनों को देखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर गांव तक के स्थानीय उत्पादों से सजा ट्रेड शो लोक संस्कृति और तकनीक का अद्भुत समागम बना। नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर दुनिया के 80 देशों ने देखी। यूपी के हर जिले के उत्पादों की पहुंच अब दुनिया के 66 देशों तक हो चुकी है। ODOP के तहत तैयार किए गए ये प्रोडक्ट अब दुनिया भर में अपनी धाक जमाने के लिए तैयार हैं। मिट्टी से बने बर्तनों को लेकर खासा क्रेज देखने को मिला, खास करके विदेशी ट्रेडर्स के लिए ये पहली पसंद बन रहे हैं। भारतीय मिट्टी की खुशबू विदेशों की रसोई को महका रही है। भारतीय मिट्टी से बने उत्पाद पश्चिमी से लेकर मिडिल ईस्ट के देशों के बायर्स के लिए पहली पसंद है। अमेरिका जैसे देशों में भी भारतीय मिट्टी से बने कुकर, टी सेट, प्लेट, थाली, कटोरी, वाटर बॉटल, रसोई के दूसरे सामानों के लिए लोगों में क्रेज दिख रहा है। बनारसी पान को भी अब GI टैग मिल चुका है और ये अब विदेशों में भी लोगों के स्वाद को उम्दा बनाएगा।
ये पान की विशेषता है कि पहली बात तो ये माउवास है और इसमें जितने कत्ते हैं, पान हैं, सब आयुर्वेदिक चीज हैं, सब पेड़ के पौधे से ही बनाए जाते हैं। और आप बता रहे थे जीआई सर्टिफाइड हो गया है, उसका मतलब अब क्या हुआ? जैसे कि हम पान अब एक्सपोर्ट भी बाहर भी जाकर लगा सकते हैं, भेज सकते हैं, हर जगह लगाने का अनुमति है। यानी अभी तक आप सिर्फ दुकान में लगाते थे, अब इसको बेच भी सकते हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। और यहाँ से कैसा रिस्पांस मिल रहा पब्लिक? यहाँ से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। बिजनेस में जो ग्रोथ की बात की जाती है वो देखने को मिल रही है? बहुत सही मिल रही है। योगी और मोदी जी की बड़ी कृपा है कि हम लोग को मौका दिए हैं, हम लोग ऊंचे पैमाने पर अपना व्यापार करने के लिए। लोग आते हैं, बातचीत करते हैं पान को लेकर, और जिस तरीके से ओवरसीज बाहर की बात की जाती है कि विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे लोग अब आए हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं और धन्यवाद करके चले जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कचरा प्रबंधन को लेकर एक स्टार्टअप ने भी सबकी निगाहें अपनी तरफ खींची हैं। एक क्लिक पर घर का कचरा बाहर जाएगा और इसके लिए वक्त भी यूजर तय करेंगे। कचरा सेट कहाँ से नाम आया? सर, ये कचरा सेट हमने एक एप्लीकेशन बिल्ड करी थी, तो इसके थ्रू क्या है कि लोग अपने घर का कचरा और कबाड़, यूजली लोग कचरे से भी जानते हैं स्क्रैप आइटम्स को, तो हमने वहीं से वह नाम इनिशिएट किया। तो हमने डिसाइड किया कि इस एप्लीकेशन का नाम कचरा सेट रखते हैं, तो काफी कैची है, लोगों के दिमाग में बैठता है। तो हमने ये एप्लीकेशन बिल्ड की है जिसके थ्रू यूजर अपने घर पे पड़े कबाड़ लाइक न्यूज पेपर, आयरन, प्लास्टिक जैसी चीजें इजिली सेल आउट कर सकता है, हैसल फ्री विद वन क्लिक। बात करें तो ये ऐप अभी कहाँ कहाँ वर्किंग है? अभी सर ये लखनऊ यूपी में ऑपरेशनल है, हम यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में विद इन 2 मंथ्स आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो पिकअप पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत हो रही है, तो कोशिश है कि विद इन 2 मंथ्स हम नोएडा को भी जल्दी सर्व करेंगे। आपकी खासियत क्या, किस तरीके से यूजर फ्रेंडली, थोड़ा सा बताएंगे? और इधर अयोध्या की झलक से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की धमक तक, तकनीक से लेकर लोक संस्कृति के मूल्यों तक, सब कुछ इस ट्रेड शो में दुनिया ने देखा। खास बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के स्थानीय उत्पाद दुनिया के 66 देशों में अपनी पहुंच बनाएंगे और यूपी की पहचान को और मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में न सिर्फ नई तकनीक का प्रदर्शन हुआ बल्कि संस्कृति को भी अहम जगह दी गई। अयोध्या के भव्य राम मंदिर की झलक यहां लोगों को भक्तिमय एहसास कराता है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में श्री राम की AI जनरेटेड तस्वीरों का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। इस AI वर्जन में प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र और त्रेता युगीन अयोध्या के वैभव को दर्शाया गया। यूपी संस्कृति विभाग की तरफ से रामायण दर्शन नाम की इस प्रदर्शनी में इस्तेमाल की गई सभी तस्वीरों को AI के जरिए तैयार किया गया है। इन AI तस्वीरों में अयोध्या में गुरुकुल शिक्षा, सीता स्वयंवर, वनवास, सीता हरण, लंका दहन और रावण वध जैसे प्रभु श्री राम के अलग अलग प्रसंगों को रामायण दर्शन में दिखाया गया। प्रभु श्री राम का वो मंदिर, उसकी एक झलक जो आपको हम दिखाएंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाए। भाई साहब थोड़ी सी जगह दीजिए, ये देखिए, ये वो मूर्ति है जिसके दर्शन अयोध्या करने तमाम लोग जाते हैं, लेकिन उसको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया, यानी पूरी रामायण इसमें दिखाई है। और अब जहाँ पे प्रभु श्री राम स्थापित है, जहाँ पे वो भव्य दिव्य मंदिर बनाया गया है, उसकी झलक भी देखने को मिल रही है। और ठीक इसी तरीके से जो पुरातत्व विभाग है उसने कुछ मंदिर यहाँ पर बनाया, मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको वो भी तस्वीरें दिखाएं, जो ओझल हो रहे हैं लोगों की नजरों से, जो छुपते जा रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं या लोगों को पता नहीं है, उनको लेकर भी झांकियां लगाई। हमारे साथ यहाँ के एक अधिकारी हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजीव कुमार त्रिवेदी। राजीव जी, बात करें तो जिस तरीके से रामायण का नया रूप देखने को मिला, AI रामायण आप लोगों ने बनाई है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये AI रामायण दर्शन का जो संस्कृति विभाग है उसने इसको नए स्वरूप में तैयार किया है। इसके अलावा भी यहाँ पर रामायण शोध संस्थान है, और इसके अतिरिक्त जो भी है रामायण से संबंधित और भी मॉरिशस, इंडोनेशिया, थाईलैंड की भी रामायण जो है
संस्कृति विभाग द्वारा कराई जाती रही है, उनके साथ विभिन्न प्रकार के MOU भी हुए हैं और आगे जो आगामी कुंभ आने वाला है महाकुंभ प्रयागराज में, उसमें भी इसका प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 96 लाख से ज्यादा MSME यूनिट्स और योगी सरकार का संकल्प नए यूपी की नई तस्वीर को दिखा रहा है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के जरिए उत्तर प्रदेश के कारीगरों को भी पहचान मिल रही है। उत्तर प्रदेश में उद्यम विकास के लिए योगी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लोन से लेकर बीमा और स्किल डेवलपमेंट, हर कदम से यूपी की उद्यम शक्ति मजबूत होती जा रही है। केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था, आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। इसमें MSME सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है और हम लोगों को इस बारे में जरूर ध्यान में रखना होगा कि कोई भी बड़ा औद्योगिक निवेश बिना MSME बेस के आगे नहीं बढ़ सकता, और यह सौभाग्य का अवसर है कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा MSME का बेस मौजूद है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के जरिए उत्तर प्रदेश में शिल्प शक्ति कितनी मजबूत है ये जाना पूरी दुनिया ने, और इस तरह के आयोजन बार बार यूपी में किए जा रहे हैं। ODOP को बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य है, MSME सेक्टर को बढ़ावा देना एक इसका उद्देश्य है, और जिस तरह से CM योगी आदित्यनाथ बार बार कहते रहे हैं कि MSME सेक्टर में ही वो शक्ति है कि एक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार इसी सेक्टर से मिल सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत है और यही सरकार की प्राथमिकता है। इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान भी सरकार की यह प्राथमिकता नजर आई। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है।